बिल्कुल मेरा घर को बेगम। बस कर दो, तुम पागल ही रहोगे। तो जाहिल हो तुम जाहिल हो, तुम हो जाहिल, तुम्हारा खानदान जाहिल है। बात करो मुझसे, तमीज से बात करो, पागल आदमी कहीं का, या तुम मेरी वालदा हो। बस कर दो, मेरे से मुंह मत लगो। तुम मुमारी अभी की का है मुमारी, सर से तो मेरा जीना हराम कर दिया। अरे खामोश यार, जाहिल है जाहिल, जाहिल औरत से शादी कर ली मैंने। तो मैंने कहा था शादी करो उससे। सर ये खुद जाहिल है। क्या किया मैंने? 10 लोगों से अभी मार खा कर आया और वहाँ बैठकर हंस रहा है। मैंने कहा क्यों हंस रहे हो? कह रहा है ये जो लोग मुझे समझ रहे हैं मैं वो नहीं हूँ। जाहिल है जाहिल, सुबह सुबह मुंह पर लोटा पहन लिया, बोलिए मुझे हथनी हथनी को। और खुद जो सारा दिन कानों में मोजे पहन के भाव करते रहते हो घर में। एक्सक्यूज मी, हमारे पास हमारी सेलिब्रिटी गेस्ट आ गई। अस्सलाम वालेकुम मैम, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और मेरी खुशकिस्मत ये है कि आज आप मेरे सामने खड़ी हैं। थैंक यू। और आप मेरी आइडियल है। चुप करो, मेरे दादा आपको देख के बड़ा हुए, मेरे अब्बा इनको देख के बड़े हुए, मैं इनको देख के बड़ा हुआ। माशाल्लाह आप लिविंग लेजेंड है। थैंक यू थैंक यू। रख के चपेड़ मारे ताकि ये छोटा हो जाए। और मैम मुझे भी आपको देखकर इंस्पिरेशन मिलती है कि मिलती मैं भी है? एक्टिंग करूं। और मैं बात कर रही हूं ना, छोटे लोग बीच में ना बोले। अच्छा मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा दूं, ये हमारे लाइब्रेरियन हैं शैबी साहब। मेरे पे फोकस करना बताएं। जी जी। और ये हमारी किताबें पढ़ी हैं आज तक आपने? मैंने किताबें पढ़ी कम है, फाड़ी ज्यादा है। फाड़ी ज्यादा है, अच्छा ओके। इनकी शक्ल से लग रहा है ये फटी हुई किताब से ही आए हैं। और ये हमारी हेड मिस्ट्रेस है जिन्होंने गलती से इनके साथ शादी कर ली है। अच्छा जी। तो हेड मिस्ट्रेस होते हुए कुछ पढ़ा नहीं सकी आप इनको? मैंने इनको काफी पढ़ाने की कोशिश की पर ये निकाह नामा पढ़ के बैठे। इन्होंने निकाह नामा भी अपना पढ़ा वो भी नहीं पढ़ा मुझे लगता है। मैम वैसे ये आपकी बहुत बड़ी फैन है, इसको एक्टिंग का शौक था। अच्छा। कहती है मैं मारिया वस्ती लगती हूँ। हैं? जी जी। मैं लगती नहीं हूँ, मतलब बस 19-20 का फर्क है। पागल होगा ये, 25-50 का फर्क है। इसको अच्छा। अगर आप कोई डायलॉग हो जाए इनका, ये बोलना चाहती है। जी जी बताइए प्लीज प्लीज, कोई डायलॉग उसको आप। हाँ डायलॉग ये बोलेंगी? जी ये रिपीट करेंगी। अच्छा ठीक है, करीब आ डायलॉग क्या बस सिचुएशन मैं आपको देती हूँ तो वो आप जो है ना। वैसे तो मुझे लगता है कि बड़ी नेचुरली होगी क्योंकि दोनों मियाँ बीवी हैं। हाँ जी जी। तो सिचुएशन ये कि यू वांट टू गो टू योर मदर्स हाउस, ठीक है, और ये जाने नहीं दे रहा, जैसे पिछले हफ्ते भी शायद इन्होंने किया हो, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन है और इसके ऊपर अब आप सिचुएशन ये है, आप अपने मैके जाना चाह रही हैं मगर वो जाने नहीं दे रहे। ठीक। सॉरी आप ये अपने घर जाना चाह रही हैं? नहीं ये मैके जाना चाह रहे हैं। ये मैके जाने दे रही हैं? मैं जाना चाह रहा हूँ। और आप रीजन देंगे कि आप क्यों नहीं उसको जाने दे रहे? अच्छा। एंड क्यों? बेगम मुझे 2 घंटे के लिए अपने घर जाना, जाने दो प्लीज। हाँ ताकि तुम्हारी माँ फिर से तुम्हारे कान भर के भेजे तुम्हें, तुम आके घर में तमाशा करो। मेरा कान है टिफन है। कान खोल के मेरी बात सुन लो, तुम बहुत बदतमीज कर रहे हो मेरे साथ। जाने दो, 2 घंटे क्या 1 घंटे में आ जाऊंगा। अच्छा हाँ, ताकि तुम्हारी बहनें आए, काना फूसी हो, ताकि घर में आके तुम मेरे साथ तमाशे करो। कोई जरूरत नहीं है जाने की, खाना वैसे ही मैंने घर में बनाया हुआ है। देखो बेगम मैं जाऊंगा तो भट्ट साहब आएंगे ना। क्या मतलब है? प्लीज भट्ट साहब किधर फिरते रहते हैं आप? ये यही घुमा फिरा रहे हैं। ट्यूशन पढ़ने आते हैं वो, फीस भी तो देते हैं ना। हाँ हाँ, नहीं नहीं सर पे आज शफकत का हाथ रखने आते हैं। शफकत कौन है? टंडा फिर रहा है। अच्छा, उसके हाथ इनके पास है। एक मिनट में इंसर्शन विद मी मदीरा, आखिरी खिलाड़ी कौन? That's the catch. Captain! किसी भी एंगल से ये नहीं कच्चे क्योंकि छठी के बच्चे आपसे अच्छे। सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।